हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए हैं जहाँ पर हम जीएस के टॉपिक वाइज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्स्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग स्टोन एज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टोन एज से आपको पता है एक दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए हमेशा मिलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब भी हम तैयारी करते हैं एसएससी की या फिर यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए। तो स्टोन एज से सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड द एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स इन मीजोलिथिक पीरियड। तो मीजोलिथिक पीरियड में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो हमको कौन सी साइट से देखने के लिए मिला है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी जो है, बागौर करके एक साइट है, कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। यहाँ से हमको पता चला है कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती थी, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा एक साइड और आप लोगों को ध्यान रखना है जिसका नाम है आदमगढ़। आदमगढ़ ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये दोनों साइट्स को आपको ध्यान रखना है। कब के पीरियड की बात कर रहे हैं, मीजोलिथिक पीरियड की ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। तो मंडी कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का अलग से एक वीडियो करेंगे जहाँ पर हम हड़प्पा के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम मंडी के साइट के बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली ये जो साइट है ये ईस्ट ऑफ यमुना में मिलेगी आपको, ईस्ट ऑफ यमुना रिवर यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में ये साइट अवस्थित है। इसके एक्सकेवेशन की बात करूँ, एक्सकेवेशन की, तो इसका एक्सकेवेशन जो है वो डीवी शर्मा जी के द्वारा किया गया था। ये आप लोग एडिशनल में याद रखेंगे। कभी कभी एक्सकेवेशन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा पढ़कर जाएंगे। देन वी हैव भीम बेटिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो ये डिस्कवर किसने किया था, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था। अब भीम बेटिका अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है जो कि आपको रायसेन में देखने के लिए मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैंने आपको बताया है वाकणकर जी के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया इन द ईयर ऑफ 1957, डेट याद रखेंगे। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, तो इसे भी आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल बिगिन इन, किस पीरियड में ये स्टार्ट किया गया यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हमने इसके पहले ही एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पर हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ इन मीजोलिथिक पीरियड की बात करी थी। तो मीजोलिथिक पीरियड ही इसका सही आंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं। तो जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको तीन टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है पैलियोलिथिक एज होती है, फिर उसके बाद आती है हमारी मीजोलिथिक एज, और उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक एज, ठीक है। और फिर पैलियोलिथिक में भी अलग अलग टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है हमारा लोअर पैलियोलिथिक, फिर एक होता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उसके बाद एक अपर पैलियोलिथिक एज होती है ना। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है मीजोलिथिक है जब हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस देखने के लिए मिले थे। आगे बात कर लेते हैं, थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो ये कहाँ पर मिले थे, तीन ह्यूमन स्केलेटन्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपको मिला है दमदमा करके एक जगह है, यहाँ पर आपको मिला है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में जगह है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर 41 ग्रेव्स जो हैं वो इस हालत में मिली हैं कि वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन देखे मिलने हैं, और वही एक है जहाँ पर तीन इकट्ठे बरीड किए हुए थे, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव द कल्टिवेशन ऑफ अ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। देखिए सीरियल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये न्यूलिथिक एज में इसको स्टार्ट किया गया था जब कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स स्टार्ट किया गया। बेसिकली कौन से दो सीरियल्स की बात करी थी, एक है हमारा राइस और एक है हमारा वीट, ठीक है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा हम एक्सकेवेशन जब किया तो ये सारी चीज़ें ही हमको मिली। दो साइड्स हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक का नाम है कोल दीवा करके हैं, और एक है मेहरगढ़। ये दोनों साइडें आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, जहाँ पर सीरियल्स या ग्रेन्स जो हैं सबसे पहले देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट वी हैव द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ मैन इन इंडिया फाउंड इन। तो ये अर्लीस्ट एविडेंस मैन का कहाँ पर देखने के लिए मिला है आपको, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपको नर्मदा वैली में देखने के लिए मिला है।
बेसिकली वेस्टर्न नर्मदा में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इन द ईयर ऑफ 1982 में इसे डिस्कवर किया गया था। एडिशनल चीज़ें मैं बताते जा रही हूँ, इनको नोट करते चलेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ के अर्लीस्ट एविडेंसेज आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो मैंने अभी आपको एक साइट बताई है मेहरगढ़, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट साइट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दो फसलें, एक का नाम है बार्ले और एक का नाम है वीट, वो डिस्कवर किया गया था, तो इसे भी एडिशनल तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव एक्सकेवेशन ऑफ नवदा टोली वॉज कंडक्टेड बाय। तो नवदा टोली में एक्सकेवेशन किसने किया था, तो एच डी संकलिया जी के द्वारा ये किया गया था, इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। तो मेगालिथ को किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इट इज़ रिफर्स टू द ब्यूरियल साइट्स के तौर पर हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ये यहाँ पे जो लार्ज स्टोन्स रहते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था किस चीज़ के लिए, ग्रेवयार्ड बनाने के लिए, ग्रेवयार्ड्स बनाने के लिए, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव ऐश माउंट्स इन एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट। तो ऐश माउंट्स आपको बेसिकली कहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, तो संगाना कल्लू करके एक जगह है, कहाँ पर है, मैसूर में, मैसूर में ये जगह है, यहाँ पर ये कर्नाटका में न्यूलिथिक साइट है जिसको डिस्कवर किया गया है, तो इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑल्सो ये कहाँ मिला है उसका नाम भी देख लीजिए, पिकली हाल करके जो है और उतनूर करके है, उतनूर करके इस जगह पर भी इसे देखा गया है। नेक्स्ट वी हैव इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा पिक्चर्स आपको किस जगह पर देखने के लिए मिली हैं, तो भीम बैठिका में, आपने पता ही है भीम बैठिका की गुफाओं में बहुत सारे शैल चित्र देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर आपको एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, देन उसके बाद सांभर हो गया, डियर हो गया, इन सब के आपको पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली 133 पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई हैं ओवर 700 रॉक शेल्टर्स। नेक्स्ट वी हैव द ओकरे कलर्ड पॉटरी वॉज शिंटेड एट। तो ओकरे कलर पॉटरी कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो हस्तिनापुर में ये सबसे ज़्यादा फेमस थी, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो बीबी लाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई है इन द ईयर ऑफ 1951 हस्तिनापुर में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डाइविडेंसेस ऑफ बराइंग द डॉग विद अ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, किस जगह पर आपको ये देखने मिली है, तो बुर्ज होम में ये देखने के लिए मिला है, इसे ध्यान रखना है। बुर्ज होम बेसिकली आपको कश्मीर वैली में देखने के लिए मिलता है, कश्मीर वैली में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर डॉग के साथ साथ एक एंटीलोप करके, एंटीलोप डियर भी यहाँ पर देखा गया है, तो इसे भी ध्यान रखना है एडिशनल तौर पर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस। तो कहाँ पर है ये, कल्चर के अंतर्गत आता है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, और 1871 में इसे बनाया गया था, और पहले अगर हम बात करें डायरेक्टर इसके कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो यहाँ पर इसके पहले डायरेक्टर थे, इनका नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोशिश करिए, यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं स्टोन एज के, ना ऐसा ही हम रेगुलर आपके साथ एक एक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि जीएस के टॉपिक्स आपके साथ ही साथ प्रिपेयर होते जाएं। बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हो गए, पॉलिटी के कुछ हो गए, ज्योग्राफी के कुछ हो गए, मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स हो गए, तो ये सारा कुछ हम आपको कवर कराएंगे रेगुलर बेसिस पर, हम इसकी क्लासेस करते जाएंगे ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। अभी स्टार्टिंग में आपको एक दो वीडियोज़ आपको रोज मिलेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा बाय द टाइम पढ़ा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।